अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम नेशनल पब्लिक स्कूल पीयू कॉलेज की रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं। ये नेशनल पब्लिक स्कूल काला बुरागी में है और ये एफिलिएटेड है सीबीएसई से। तो इन्होंने कुछ फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसीज आउट की है, यानी आप इस स्कूल में एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। हम जितने भी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो सारे परमानेंट वैकेंसीज़ होंगे, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। आप इन स्कूल्स में काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये जो स्कूल है, नेशनल पब्लिक स्कूल काला बुरागी, ये सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है और ये स्कूल कर्नाटका में है। अगर आपको इसका एड्रेस, स्कूल का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब आपके यहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले पैनल पर हैं, कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन पर हैं। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पर जाके भी आप ये सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब बात करें अगर वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ का इन्फो हम पहले चेक करेंगे, इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे जो स्कूल की तरफ से दी गई है। हमारे जो सब्जेक्ट है फिज़िकल एजुकेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट ये करा रहे हैं, जिसमें बीपीएड एमपीएड विथ फोकस ऑन। अगर किसी कैंडिडेट के पास बीपीएड हो या फिर एमपीएड हो, और उनका जो गेम होगा जिसमें वो अच्छे, वो होने चाहिए एथलेटिक्स, फुटबॉल और वॉलीबॉल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे गेम्स में, तो वो बच्चे इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ बीपीएड और एमपीएड का ही डिग्रीज मेंशन है, तो इसमें वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास बीपीएड और एमपीएड हो। लेडी इंस्ट्रक्टर्स को प्रेफरेंस दी जाएंगी, यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएंगी। तो इस फॉर्म को सही से भरे, सीरियसली भरे, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। आप इस स्कूल में एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें मेल्स का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, मेल्स का भी रिक्रूटमेंट हो सकता है, लेकिन फीमेल्स को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस आगे के स्टेजेस में अच्छा रहा, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर रिटर्न हो, फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन आपको एथलेटिक्स, फुटबॉल और वॉलीबॉल का गेम का नॉलेज होना चाहिए। तो ये बात थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट की। अब हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट फॉर्म है कैसा। जो कैरियर फॉर्म है आपको इसी पैनल पर, कैरियर के पैनल पर आपको कैरियर फॉर्म्स में ही मिलेगा। तो आपके पास एक स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपको सारे अपने डिटेल्स भरने हैं। तो पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो पोजीशन है वो है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का। तो यहाँ पे आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर सेलेक्ट करके अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, यानी आपको फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्कूल में, तब भी आप इसमें फिज़िकल एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पीआरटी, एज अ पीआरटी स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पीआरटी चूज़ करके यहाँ पर अपना सब्जेक्ट फिज़िकल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो ये तीन वैकेंसीज स्कूल के तरफ से फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में जारी की गई हैं, टीजीटी, पीआरटी एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, जिसमें आपको इनका स्पोर्ट्स एंड गेम्स देखना पड़ेगा और फिज़िकल एजुकेशन आपको पढ़ाना भी पड़ेगा। और इसके अलावा आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन और आपका एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपके पास है, वो आपको यहाँ भरना पड़ेगा। 10th, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, सब जो भी आपके पास एकेडमिक्स डिग्रीज़ हैं, एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, वो आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर नहीं है, जो बच्चे फ्रेशर्स, एज अ फ्रेशर स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका कौन से लैंग्वेजेस में कमांड अच्छा है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देन आपका रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, और जो यहाँ पे मांग रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, 10th एक्सपीरियंस लेटर, मास्टर्स और बैचलर्स का डिग्री, सैलरी स्लिप अगर आपके पास हो, और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी आपके पास बीएड का अगर डिग्री है, तो आप यहाँ ये सब करेंगे अपलोड इन द फॉर्मेट ऑफ JPG और PDF। तो ये पूरा प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, कैसे आप स्टाफ रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पे आप आई डिक्लेयर करके सबमिट करेंगे, यानी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा सही है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तीन अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए, अलग अलग क्राइटेरियाज़, अलग अलग पोस्ट्स के लिए, PRT, TGT एंड फिज़िकल एजुकेशन टीचर। सैलरी भी इसमें आपको अच्छा खासा ही मिलेगा, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको सैलरी बैरियर नहीं बनेगा, सैलरी उनको भी अच्छा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी आप सबके पास। आप जब तक रेगुलर वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, KVS, DSSSB, जितने भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी नहीं आ रही, आप ये सब स्कूल पे काम करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अगर आपको CV या रिज्यूमे बनाना नहीं आता है, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को रिफ़र कर कर अपना एक प्रोफेशनल CV बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, वो भी फ्री में। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा।
और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।